हेलो स्टूडेंट्स, आज जो लेसन हम करने जा रहे हैं वो है लेसन नंबर 4, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपने पिछले क्लासेस में भी आपने किया होगा। नाउ वी आर इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, सो थोड़ा सा है ना इसको और भी आगे पढ़ेंगे। तो पहले का जो मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ जो थे वो हम समझेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आप पढ़े हो अभी तक। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले ऑर्डर चेंज करने पे मल्टीप्लिकेशन जो है आंसर चेंज नहीं होता। 4 8 जा 32, 8 4 जा इज़ ऑल्सो 32। तो यानी 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो या 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो तभी भी आपका आंसर जो होगा वो सेम आएगा। सिमिलरली 29 जा और 9 10 जा 180 होगा, इधर भी 180, इधर भी 180, तो आंसर विल बी सेम। सिमिलरली यहाँ पे भी 44,965 इज मल्टीप्लाई बाय 105, या 105 को 44,965 से मल्टीप्लाई करोगे तभी भी आपका आंसर सेम ही आएगा, राइट। अब ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स इज चेंज। ग्रुपिंग चेंज होगा तो देखो, 5 इज मल्टीप्लाइड बाई द प्रोडक्ट ऑफ 24 एंड 70। 24 और 70 का प्रोडक्ट को 5 से मल्टीप्लाई करो, या 5 और 24 का जो प्रोडक्ट है उसको 70 से मल्टीप्लाई करो। ग्रुप कैसे भी बनाओ, तीन नंबर है, बाद में जो दो नंबर है उसका ग्रुप बनाओ या पहले जो दो नंबर है इसका ग्रुप बनाओ तभी भी जो है वो आंसर सेम आएगा। दैट इज़ कॉल्ड द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही दिया हुआ है, इन दोनों को ग्रुप बनाया है, इसके आंसर को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या तो वही तीन नंबर है। ओके, व्हाट आर द नंबर्स हियर? 25 33 42 25 33 42, है ना। पहले दो को हम इन्होंने ग्रुप किया, उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया तभी भी आंसर सेम आएगा। दैट इज़ ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? एक नंबर है, एक दूसरे दो नंबर का सम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सम यहाँ पे एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन है, दो अलग अलग साइन है। यहाँ पे तीनों में, दोनों में मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन था, पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों दिया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो कैसे होगा? देखो ये थोड़ा अलग है। 353 जो बाहर नंबर है उसको 52 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करके फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसको पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो भी आंसर सेम आएगा। यहाँ पे दिस इज मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, और ये प्रॉपर्टी को जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले वाला एडिशन था और दूसरा वाला मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द सेम नंबर। 55 into 1 is 55, 456 multiplied by 1 is 456। ओके, 10,461 is multiplied by 1 equal to द सेम नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। कोई भी नंबर कोई भी हो, यहाँ 292 है, यहाँ 1275 है, यहाँ 40599 है, इन सबको इन्होंने किससे मल्टीप्लाई किया? जीरो जीरो जीरो, तो आंसर क्या आया? जीरो जीरो एंड जीरो। किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा जीरो। यहाँ पे किसी भी नंबर 55, 456, 10,000, दिस सबको उन्होंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो वही आया 55। यहाँ भी 55 आया, इधर भी 456 और इधर भी 10,461। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1। 1 करोगे तो सेम आंसर आएगा, 0 करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा, राइट। अब दूसरा एक चीज़ हम समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 10, 100 और 1000 एंड सो ऑन। अगर 10, 100 और 1000, 10 में कितने जीरोस हैं? 1 जीरो है। 100 में कितने जीरो है? 2 जीरोस है। 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो है। अगर किसी नंबर को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर दिया हुआ है 35, उसके आगे आप जितने नंबर ऑफ जीरोस है, यहाँ 1 है तो उसके आगे 0 लगा दो, इसके आगे 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 जीरो लगा देना, इसके आगे 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देना है, ठीक है ना, तो आपका आंसर आएगा सही।
सेम यहाँ पे भी है, एक जीरो है तो एक जीरो लगाओ, 47 है पहले 47 लिखा उसके आगे एक जीरो है तो एक जीरो लगाओ, यहाँ भी 47 है उसके बाद में दो जीरो है तो दो जीरो लगाओ, 4700 हो गया। यहाँ तीन जीरो है तो 4700 तीन जीरो हो गया, राइट। तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन बाय नंबर 10, 100 और 1000 होता है, क्लियर। ये अभी जस्ट मैंने जो समझाया आपको वो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो लेट्स सी नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड दो चीज़ें होते हैं। मल्टीप्लायर हियर इट इज 436, ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर 436 है तो इन्होंने क्या किया, 400 प्लस 30 प्लस 6, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया ओवर एडिशन, 4356 इसके साथ पहले के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 2346 को फिर सेकेंड नंबर 30 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2346 को थर्ड नंबर 6 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे तीन टर्म्स आएंगे आपके 1, 2, 3, ठीक है। बिकॉज वाई यहाँ पे भी तीन टर्म्स है तो बाहर जो नंबर होगा उसको आप ये तीनों नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करोगे इंडिविजुअली, ठीक है। पहले इसको इसके साथ करोगे, फिर उसके बाद इससे करोगे, फिर इसके बाद 6 से करोगे, दैट इज़ अ मेथड, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये आंसर आया, तीनों को एडिशन है ऐड कर दो तो दिस इज़ द आंसर। तो इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशंस थोड़े इजी होंगे, ठीक है। यहाँ पे 436 को मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 डिजिट से, ये 3 डिजिट से, राइट। यहाँ पे सिर्फ 4 से ही करना है, बाकी जो 2 जीरोज़ है, जीरोज़ आपने 2 जीरो लगा दिया, यहाँ 30 था तो 1 जीरो लगाया, यहाँ पे 6 है तो कुछ लगाना नहीं है, 0 है ही नहीं, ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 4.1, 18 × 14 = 14 × 8, ऑर्डर ऑफ नंबर्स चेंज हुआ है, पहले 8 को 14 से मल्टीप्लाई करो या 14 को 8 से मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर चेंज कर दो तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, राइट। अब नेक्स्ट इज 95 × 38 = 38 × 95, 38 × 95, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आंसर इज ऑलवेज 0। 536 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आया है 1 से, कभी भी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। अब देखो यहाँ पे 62,000 है, यहाँ पे 1000 दिया हुआ है तो 62 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 62,000 आएगा, ठीक है। 9054, यहाँ भी 9054 है, यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो 7 × 10, ऑर्डर चेंज किया, यहाँ 10 × 7, 7 × 10, तो आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। या तो 70 भी लिख सकते हो यहाँ पे, 70 बिकॉज 10 7 से 70, ओके। यहाँ पे देखो दिस इज 40 और 5, 3853, यहाँ पे क्या था 245 है, तो यहाँ 40 है और 5 है तो क्या मिसिंग है, 2 वाला, 200 मिसिंग है तो 200 आएगा। यहाँ पे 500 प्लस 50 प्लस 8, 558 हुआ इंटू 3752, पहले वाला नंबर ग्रुपिंग उन्होंने चेंज कर दिया। दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर के हिसाब से किया है, ओके। 216 × 82, यहाँ पे 82 आएगा और 216 कॉमन है तो यहाँ पे आया 108, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया, इसको पहले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा फिर इसके बाद में 3416 है, इसको 3416 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाइड बाई 37 फर्स्ट नंबर, फिर 3416 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई द सेकेंड नंबर, तो आंसर इज 88। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो आई थिंक फॉर अ बेटर वे व्हाट यू कैन डू इज आप इसको 7 × 10 को आप लिखो 70, है ना।
905, और को 70 को आप 10 इंटू 7 भी लिख सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100 और 1000 है, तो यहाँ पे क्या है, देखो 2215 इंटू 10, तो 2215 आप ऐसे ही लिखोगे, और 10 में कितने जीरोज है, 10 है, तो 10 लगा दो। यहाँ पे 5745 इज मल्टीप्लाइड बाय 100, उसमें कितने जीरो है, 20, तो 20 लगाओ। यहाँ पे 5708 इज मल्टीप्लाइड बाय 30, सो 30 लगा दो। यहाँ पे 25177 इज मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी जीरोस, 10, तो 10 लगा दिया। 87374 इज मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 में कितने जीरो है, 20 लगा दिया। पहले नंबर, ये नंबर वही आएगा 87374, 100 में 20 है तो 20 लगाओ। यहाँ पे 93753 इज मल्टीप्लाइड बाय 1000 में कितने जीरोस है, 3 है, तो 3 लगा दो। क्लियर? तो इस तरह से इसका आंसर्स निकलेंगे, राइट? अब हम देखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, 1358 इज मल्टीप्लाइड बाय 42। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर। तो 1358 को आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 40 + 2। 42 को हमने 40 + 2 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1358 इंटू 40 प्लस 1358 इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने है, 0 लगा देना है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 5432, और 0 लास्ट में है तो 0 लगा दो। और इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर विल बी 2716। देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यू गेट दिस आंसर 54320, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इन दोनों को ऐड कर दो तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमने किया। 42 को आपको क्या लिखना है, 40 + 2, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लिकेंड है, तो ये मल्टीप्लायर 42 है, उसको 40 और 2 ब्रैकेट में लेना है प्लस करके। ठीक है, और 40 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस करके फिर इसी के साथ 2 के मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये है, इन दोनों का इतना है, दोनों को ऐड करो, यू गेट दी आंसर। ठीक है, अब दूसरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, लेट्स से थर्ड वाला। ओके, दिस वाज द फर्स्ट वन, दिस इज थर्ड। 324 इज मल्टीप्लाइड बाय 108, तो 324 को मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 0 प्लस 8। ठीक है, 0 कुछ है नहीं तो फिर इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, प्लस 8 आप लिख सकते हो, 100 प्लस 8, 108। तो इसको क्या लिखेंगे, 304 इंटू 100 प्लस 324 इंटू 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 324 00 प्लस, हियर इज द सॉल्यूशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 324 इंटू 100 क्या होगा, 324 को 20 लगा दिया। इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यू गेट 1944। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो यू गेट दिस, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? एक और सम हम कर लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। 30587 इंटू 132, 30,587 एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 132 को एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, 100 प्लस 30 प्लस 2, है ना? तो ये जो नंबर बाहर है, ओके, आउटसाइड द ब्रैकेट, इसको तीनों टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 30,587 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले 100 से, फिर 30,587 को आपको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड नंबर 30 से,
और फिर 30,587 को जो है आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आपको जो है तीन टर्म्स आपको मिलेंगे। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 30,587 को आपको दो जीरो आगे लगा देना है। ओके अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 37 से 21, 38 से 24, 26, 35 से 15, 17 और 33 से 9, और यहाँ एक जीरो था, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। प्लस इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 27 से 14, 28 से 16 प्लस 1 इज 17, 25 से 10 प्लस 1 इज 11, 23 से 6। क्लियर? अब ये तीनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 32,11,484, 32,11,484। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दिस वॉज द आंसर। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये सारे सम्स आपको करने हैं। हमने तीन सम किए हैं, बाकी ये तीन आप लोग करेंगे, राइट? तो विल मूव फर्दर। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर डी में वी हैव यूजिंग सूटेबल ग्रुपिंग फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ग्रुप करके जो है इसको ठीक से आपको प्रोडक्ट्स आपको फाइंड करने हैं इसका, राइट? तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं ये सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी का जो पहला क्वेश्चन है वो है 175 × 4 × 5। इन दोनों को आप ग्रुप कर सकते हो। 175 × 4 × 5 से कितना होता है 20। दिस इज इक्वल टू 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14 प्लस 1 = 15, 2 × 1 = 2 प्लस 1 = 3 एंड एक जीरो है, तो ये आंसर आपका आएगा 3500। 175 × 20 इज 3500। क्लियर? अब थर्ड वाला देखो, 30 × 3056 इज मल्टीप्लाइड बाय 15। क्लियर? आपको यहाँ पे देखना है कि भाई आप किस तरह से आप ग्रुप बनाओगे, या 30 और 15 का ग्रुप बनाओ, या तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब ये क्या है, ये दोनों छोटे नंबर्स हैं, तो इसको इसके साथ ग्रुप बना सकते हो। ओके, 15 × 3 = 45। तो हमने क्या किया, 3056 को 30 और 15 का ग्रुप बनाया, राइट? 3056 को 30 × 15 = 15 × 3 = 45 और एक जीरो है, 450। अब इसको हम एक्सपांडेड फॉर्म में भी कर सकते हैं, या तो इसको है ना डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। तो 3056 × 45 करोगे तो यू विल गेट 13752 और एक जीरो है, तो जीरो लगा दो, तो योर आंसर इज 1,37,520। दिस इज अ आंसर। थर्ड वाला हो गया। अब हम करते हैं फिफ्थ वन, 8 × 225 × 334। ये वाला सम है, इन दोनों को हम ग्रुप कर लेते हैं। 8 × 225 इज 1800 × 334। अब 334 को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर वाला मेथड करते हैं। 300 + 30 + 4, ठीक है? तो 1800 को आपको 300 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1800 को आपको 30 से करना है, प्लस 1800 को आपको मल्टीप्लाई से करना है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स आए आपके, तीन आए। 18 × 3 = 54, यहाँ 00 है, इधर का भी 00 है, ये आंसर होगा। अगेन 18 × 3 = 54, यहाँ 00 है, एक जीरो यहाँ पे है। 18 × 4 = 72, तो यहाँ पे 72 00, राइट? अब आपको क्या करना है, इन तीनों को मल्टी एडिशन करना है, राइट? अब आपके पास ये तीन नंबर है, आपको इन तीनों को क्या करना है, एडिशन करना है। लेट्स ऐड दिस ओवर हियर, 54 00 00 54 000 और 72 00, तीनों को ऐड करो, प्लस एंड प्लस,
हेयर यू गेट ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ टू है, दिस सेवन प्लस फोर इलेवन, ओके दिस इज़ फाइव प्लस फोर नाइन प्लस वन इज़ टेन एंड सिक्स, 601 200, 601 200 ये आंसर है, क्लियर। यहाँ पे 334 था तो लिल डिफिकल्ट है इसके साथ में मल्टीप्लाई करना, तो हमने 300 प्लस 30 प्लस 4 इस तरह से लिखा। पहले हमारे पास ये जो नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रुप बना दिया और उसको इसके साथ किया, इसको हमने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख के फिर कैलकुलेशन करके कर दिया, राइट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ, दिस इज एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। इसमें आपको, दिस इज ऑन पेज नंबर, मेरा पेज नंबर 135 पे है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 223 इज मल्टीप्लाइड बाय 244, राइट। ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट है, 223 इज मल्टीप्लाइड बाय 244। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तीन डिजिट्स है मल्टीप्लायर में, तो तीन रोज आपको मिलेंगे यहाँ पे, ओके। पहले आपका नंबर है 4, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, टूअर्ड्स द राइट टू लेफ्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12, 4 2 8 प्लस 1 इज 9, 4 2 8, ये आपका पहला वाला हो गया। अब यहाँ पे एक क्रॉस बना देना है बिकॉज यू आर ऑन द टेंथ डिजिट। अब टेंथ डिजिट को पहले जो नंबर है यहाँ पे 3 से, 4 3 12, 1 2, 4 2 8 प्लस 1 इज 9 एंड 4 2 8, ये आपका सेकेंड नंबर है। अब आपका थर्ड नंबर है तो आपको दो क्रॉस करने हैं, राइट। 2 3 6, 2 2 4 एंड अगेन 2 2 4, तो ये दो तीनों को आपको ऐड करना है। तो दिस इज 2, 9 प्लस 2 इज 11, दिस इज 9 एंड 9 18, 18 प्लस 4 इज 24, 2 कैरिड, 2 प्लस 8 10 प्लस 4 इज 14 एंड 1 कैरिड 1 प्लस 4 इज 5, तो 54, 400, ये 4 है, 412, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका 7051 इज मल्टीप्लाइड बाय 556, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको कैसे करना है, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 1 6, 6 5 30, 30 का 0 है 3 कैरिड, 6 0 0, 0 प्लस 3 इज 3, 6 7 42, क्लियर। अब आप सेकेंड पॉइंट मतलब नंबर पे जा रहे हो तो आपको क्या करना है, इसको क्रॉस करना है, 5 1 5, 5 5 25, 2 एंड 5, 5 7 35, 3 एंड 5। अब यहाँ पे टू डिजिट्स है, 1 एंड 2, आपको 5 के आगे 2 है उधर, 2 0 इधर लगा देना है, 2 क्रॉस बना देना है, अगेन 5 से यही नंबर आएगा, तो 5 5 2 5 3, यही आने वाला है। तो अब इन तीनों को आपको ऐड करना है, 6 और 0 सब है 0, ये 0 प्लस 5 इज 5, 10 प्लस 3 इज 13, 1 कैरिड, ठीक है, 5 और ये 5 10 है तो यहाँ 0 आएगा, 5 प्लस 5 10 प्लस 2 इज 12, 1 कैरिड, ओके, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 इज 9 और 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो 3, सो दिस इज 39,20,350, ये आपका आंसर है। चलो हम अगर दूसरा क्वेश्चन करने चलते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है 4 डिजिट नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपका नंबर है 5764 इज मल्टीप्लाइड बाय 4543। देखो ऊपर हमने क्या देखा था, यहाँ जब दो नंबर थे तो दो क्रॉस बनाया था, तीन नंबर थे तो दो क्रॉस, पहले एक क्रॉस फिर दूसरे लाइन में तीसरा क्रॉस, 1 2 एंड 3 रोज आए थे। अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लायर में 4 हैं तो इस तरह से एक और बढ़ जाएगा और नीचे आपके 3 क्रॉस आएंगे, 1 2 3 और एक और 4 आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिए 3 4 12, 3 6 18 प्लस 1 इज 19, 1 कैरिड,
और 3 7s are 21 plus 1 is 22, 2 carried, एंड 3 5s are 15 plus 2 is 17. ये आपका पहला नंबर 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो पहला रो आपको आ गया। अब सेकेंड रो जो नंबर आएगा इसके नीचे आप लिखोगे 4 4s are 16, 1 carry हुआ, 4 6s are 24 plus 1 is 25, 2 carry हो गया, 5 नीचे, 4 7s are 28 plus 2 is 30, 3 carried हो गया, 0 नीचे, ओके 4 5s are 20 और plus 3 is 23, क्लियर। अब ये दो हो गए, अभी 5 आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 4s are 20, 2 carried है, यहाँ पे 2 0, 2 cross बना देना है, 5 4s are 20, 2 carried 0, 5 6s are 30, 2 carried था, 30 plus 2 is 32, 3 carried हुआ, देन 5 7s are 35 plus 3 is 38, 3 carried और 8 यहाँ पे, 5 5s are 25, 28 यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद में 1 2 and 3, ठीक है। अब देखो 4 4s are 16, यहाँ पे 1 और 6 यहाँ नीचे, 4 6s are 24 plus 1 is 25, 4 7s are 28 plus 2 is 30, 3 उधर और 0 यहाँ पे, 4 5s are 20, 20 plus 3 is 23। देखा मैंने कहा था आपको कितने रोज़ मिलेंगे, 4 रोज़ मिलेंगे, ठीक है। पहला नंबर हमने इसको भूल जाओ आप, और 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो आपने यहाँ लिखना है, फिर आप सिर्फ 4 को याद रखना है और 2 के नीचे है ना एक क्रॉस बना देना है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा आपने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही है और कुछ नहीं है। अब तीसरा में आपको क्या करना है, 2 cross बना देना है, तीसरे के नीचे जो है वो आंसर वहाँ से शुरू करके लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, तो आपको 5 7 6 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब लास्ट में इसके आगे 3 नंबर है तो 3 cross बना दिया और 4 को जो है इससे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ लिखा है, तो इन चारों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखो, यहाँ पे 9 plus 6 15, 1 carried एंड 5 here, 2 plus 1 3, 3 plus 5 8, 7 plus 2 9, 9 plus 6 15, ठीक है 1 carried, 1 plus 1 2, 2 plus 3 5, 5 plus 8 13, 13 plus 5 18, ठीक है 2 plus 1 3, 3 plus 8 is 11, 1 carried, 2 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, एंड अगेन लास्ट में क्या है, 2 है, तो योर आंसर इज 2 crore 61 lakh 85,852, क्लियर। ये इस तरह से आपको ये चीज़ें करने हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय अ 4 digit नंबर, क्लियर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, उसमें लिखा हुआ है, आई डू दिस अगेन, क्वेश्चन क्या है 23,295, इसको आपको 455, ये 5 digit नंबर है, 1 2 3 4 5, ये 3 digit नंबर है, नीचे मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर इज 455, क्लियर। अब इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मेथड तो सेम ही होने वाली है, तो पहले जो है वो आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3s are 15 है, 1 carried एंड 5 here, 5 9s are 45 plus 1 is 46, 4 upper 6 नीचे, 5 2s are 10, 10 plus 4 is 14, 1 upper 4 नीचे, यूनिट डिजिट यहाँ पे जो होगा वंस प्लेस में वो नीचे आएगा, ऊपर वाला ऊपर जाएगा, 10th digit वाला, 5 3s are 15 plus 1 is 16, 5 2s are 10 plus 1 is 11, ठीक है इस तरह से है। अब आपको ये डिजिट से तो कर दिया आपने, ये आंसर आया, फिर से 5 से ही करना है तो ये आने वाला है, तो आपने इसको क्रॉस कर दिया, फिर से ये आएगा, तो 5 6 4 6 1 1,
ठीक है, 116465, 116465 यहाँ क्रॉस आएगा, तो क्योंकि यहाँ भी ये भी 4 है, 5 है, 5 को इसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो वही आने वाला है ना, तो इसीलिए हमने इसको लिख दिया इसी तरह से, राइट। अब देखो आपके पास क्या है, 4 है, अब 4 को इसको मल्टीप्लाई करना है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई भूल जाओ, आपको दो क्रॉस बना देना है, 4 3 12, 1 कैरिट और यहाँ पे 2, 4 9 36 प्लस 1 is 37, 4 2 8, 8 plus 3 is 11, 4 3 12 प्लस 1 is 13, 1 कैरिड, 4 2 8 प्लस 1 is 9, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 रोज आए, तो इन दोनों को, तीनों को क्या करना है आपको, ऐड करना है, 5 यहाँ पे सारे 0 0 है तो 5 लिखा, 6 plus 5 is 11, 1 यहाँ पे ऊपर कैरिड 1, 5 plus 6 is 11 प्लस 2 is 13, 1 कैरिड, 6 plus 1 is 7, 7 plus 4 is 11 प्लस 7, 11 plus 7 is 18, 8 कैरिड, 1 यहाँ पे है, तो 1 2 2 plus 6 8 प्लस 1 is 9, 3 4 5 9 plus 1 is 10, तो इस तरह से आपके पास ये नंबर आएगा, दिस इज योर आंसर। बहुत बड़ा नंबर है, 1,05,98,315, ठीक है, 23,293 को आप 455 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका 55 टाइम्स इज दिस नंबर, क्लियर। तो हम चलो, आपकी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो विल डू द सेकेंड सम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का आपका सेकेंड सम है, 4364 इज मल्टीप्लाइड बाई 797, इसको कैसे करना है, 4364 कॉलम्स में अरेंज करना है, इज मल्टीप्लाइड बाई 794, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 रोज आपको मिलेंगे और तीनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, 4 4 16, 1 कैरिड 6, 4 6 24 प्लस 1 is 25, 2 कैरिड 5, 4 3 12 प्लस 2 is 14, 1 and 4, 4 4 16 प्लस 1 is 17, क्लियर। अब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो होगा आपका क्रॉस, 9 6 54, 5 and 4 यहाँ पे है, 9 4 पहले 4 है ना, 9 4 कितना होगा, 36, 3 हियर, 6 हियर, 9 6 54, 54 प्लस 3 is 57, 9 3 27, 27 प्लस 5 is 32, 9 4 36 प्लस 3 is 39, फिर आपका 7 है तो यहाँ पे 2 क्रॉस आएंगे, 7 4 28, 7 6 42, 42 प्लस 2 is 44, 7 3 21, 21 प्लस 4 is 25, 7 4 28 प्लस 2 is 30, तो ये आंसर आ गया आपका 6, 6 प्लस 5 is 11, ओके, 4 प्लस 1 is 5, 5 प्लस 7 दिस इज 15 प्लस 5 is 20, अब इन दोनों को देखो, 9 11, 11 प्लस 4 is 15, 1 कैरिड, 10 प्लस 5 15 प्लस 1 is 16, 3 प्लस 1 is 4 एंड दिस इज 3, ठीक है। सो 34,65,000 जो है 16, दिस इज योर आंसर, ओके। सो थोड़ा लंबे सम्स होते हैं बिकॉज बहुत सारे नंबर, ठीक है, लार्ज नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करना सीखना है तो इसीलिए इस तरह से तो होंगे ही सारे सम्स,
बट नो डाउट यहाँ पे 3 डिजिट्स है मल्टीप्लायर में, तो 3 रोज आपको मिलेंगे और तीनों को आपको ऐड करके नीचे लिख देना है विच विल बी योर आंसर. सो इन दिस वे राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 उसी एक्सरसाइज का, 326 इज मल्टीप्लाइड बाय 125. 326 इज मल्टीप्लाइड बाय 125. इस तरह से मल्टीप्लाई करना है. 5 6 30, ओके. और 5 2 10 प्लस 3 इज 13, 5 3 15 प्लस 1 इज 16, 2 6 12, 2 2 4 प्लस 1 इज 5, 2 3 6, 6 यहाँ पे ऐसे जो क्रॉस करना था, यहाँ पे 2 क्रॉस करना है. 1 into something is 1 6 6, 2 and 3. यहाँ पे इधर ऐसा है, ऐड करो 0 5, 11 plus 6 is 17, ठीक है. 6 और 4 10 और 1 carried 4. दिस इज योर आंसर, 40,750, है ना. 326 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप कर रहे हो 125 से मल्टीप्लाई, तो 40,750 इज आंसर. यहाँ 125 तीन नंबर है, तो 3 रोज आपको मिलेंगे. ऊपर को नहीं देखना है, नीचे वाला देखना है. यहाँ पे 3 डिजिट्स है, 3 रोज आपको मिले. पहले जो रो है उसमें 1 क्रॉस करना है, सेकेंड रो में 2, फिर तीसरा अगर हो तो 3, चौथा हो तो 4. मेथड तो सेम ही रहने वाला है बट द नंबर्स चेंज होने वाले हैं, राइट. अब एक लास्ट सम यहाँ पे हम कर लेते हैं विच इज योर क्वेश्चन नंबर 8. 8 का आप देख लो, 58345 इज मल्टीप्लाइड बाय 2438, ओके.